Today, in the subject of the manufacturing process, we start for the unit 5. The syllabus of the unit 5 is the gear manufacturing methods, different gear manufacturing methods, gear hobbing, gear shaping, gear forming, gear finishing methods, turning, drilling, milling, and finishing process. Introduction to the CNC machining. In the case of the unit 5, you will study about the how the gear is produced, what are the different methods of the gear that is to be produced, what are the different gear shaping process, gear hobbing process, how the gears are generated. And along with them, you will study about the turning process, lathe machine, drilling process, and the milling process, and different finishing process, and introduction to the CNC machine. CNC machine ke bare mein bhi आप इसमें इस यूनिट में आप पढ़ेंगे, है ना। तो गियर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और गियर के जो मैन्युफैक्चर होते हैं, फरीदाबाद में भारत गियर्स लिमिटेड है, वहां पे गियर सभी तरह के गियर बनते हैं। आप वहां कर जा करके भारत गियर्स में कैसे गियर बनते हैं वो जा करके आप देख सकते हैं। मैं कई बार वहां पर गया हूं, और गियर मैन्युफैक्चर के जो प्रोसेस है वो आपको यहां पर आपको बताए जा रहे हैं। जो गियर मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोसेस है, बेसिकली दो कैटेगरी में आपको डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है फॉर्मिंग का, जिसमें आपको फॉर्म किया जाता है, और दूसरा कैटेगरी है मशीनिंग का, जिसमें कि गियर को जो है आपको मशीन किया जाता है, है ना। फॉर्मिंग एंड द मशीनिंग दो कैटेगरी है। फॉर्मिंग में जो प्रोसेस आपको इन्वॉल्व हो रहा है, कास्टिंग से किया जाता है, कास्टिंग से गियर बनाए जाते हैं, सिंटरिंग से बनाए जाते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाए जाते हैं, एक्सट्रूडिंग प्रोसेस से बनाए जाते हैं, एक्सट्रूजन प्रोसेस है उससे बनाया जाता है, कोल्ड ड्रॉइंग प्रोसेस है उससे बनाया जाता है, स्टाम्पिंग प्रोसेस है उसमें वॉचेस का गियर बनाया जाता है, परफॉर्मिंग प्रोसेस है, और द फोर्जिंग प्रोसेस है उससे गियर बनाया जाता है। तो ये आपको ये आठ जो है फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें कि आपको गियर बनाया जाता है। दूसरा, फॉर्मिंग में गियर को शेप दिया जाता है, फॉर्म किया जाता है, तो उसको फॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं। प्रेशर अप्लाई करके एट द हाइयर टेम्परेचर शेप दिया जाता है, फॉर्म दिया जाता है, उसको गियर फॉर्मिंग प्रोसेस बोलते हैं। मशीनिंग प्रोसेस में मशीन में आपको गियर बनाया जाता है, मिलिंग मशीन में, फॉर्म मिलिंग में बनाया जाता है, रेक जनरेशन गियर का मशीन है, गियर शेपिंग मशीन है, गियर हॉबिंग मशीन है, ये सारे मशीनिंग मेथड है। और दूसरा, गियर का फिनिशिंग किया जाता है, गियर का शेपिंग किया जाता है, गियर का ग्राइंडिंग किया जाता है, गियर का फर्निशिंग किया जाता है, गियर का लैपिंग किया जाता है, गियर का होनिंग किया जाता है। तो ये फिनिशिंग प्रोसेस है गियर का, और ये रफ गियर बनाने का आपको तरीका दिया हुआ है। जितने भी वर्ल्ड में आपको प्रोसेस अवेलेबल है गियर मैन्युफैक्चरिंग का, वो सारे प्रोसेस को यहां पर आपको लिस्ट किया गया है, है ना। यहां पर सारे प्रोसेस को आपको लिस्ट किया गया है। तो ये सारे आपको गियर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है यहां पर आपको दिया गया है। फॉर्मिंग द गियर टूथ करैक्टरिस्टिक्स इन ऑल पियर टूथ फॉर्मिंग ऑपरेशन, द टीथ ऑन द गियर आर फॉर्म ऑल एट वंस फ्रॉम ए मोल्ड और डाई इनटू व्हिच द टूथ शेप हैव बीन मशीन।
एक्यूरेसी ऑफ द टीथ इज इंटायरली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द डाई और मोल्ड। फॉर्मिंग प्रोसेस में आपको मोल्ड होता है, डाई होता है, उसमें आपको गियर का, टूथ का आपको शेप दिया जाता है। द एक्यूरेसी ऑफ द टूथ इज इंटायरली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द डाई, उस पर डाई पर डिपेंड करता है ना। ये आपको फॉर्मिंग का गियर टूथ है, ये आपको हाई प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए आपको यूज किया जाता है। फॉर्मिंग का जो ऑपरेशन है आपको उसके लिए यूज किया जाता है। तो पहला प्रोसेस है कास्टिंग। कास्टिंग से आप गियर बना सकते हैं। कास्टिंग प्रोसेस क्या है? कास्टिंग प्रोसेस में मोल्टन मेटल को मेल्ट किया जाता है, फिर मोल्ड कैविटी में डाला जाता है। मोल्ड कैविटी में डाल करके सॉलिडिफाइड प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसमें आपको कास्टिंग में सैंड कास्टिंग से बनाया जाता है, डाई कास्टिंग से बनाया जाता है और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाया जाता है ना। ये तीन मेथड से आपको गियर जो है आपको बनाया जाता है। दीज ऑल गियर्स आर अप्लीकेबल फॉर द वाइड वेराइटी ऑफ द मेटेरियल। ये किसी मेटेरियल का आप जो है गियर इससे आप बना सकते हैं। दूसरा, टूथ शेप, किसी भी टूथ शेप का जो है मोल्ड बना के लो कॉस्ट में आप गियर बना सकते हैं, है ना। आप इसको गियर बना सकते हैं। दूसरा, कास्टिंग से जो गियर बनता है उसमें आपको फिनिशिंग ऑपरेशन आपको नहीं लगता है टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द गियर्स। ये कास्टिंग का जो मेथड है आपको गियर बनाने का, उसमें आपको फिनिशिंग ऑपरेशन आपको नहीं लगता है ये कास्टिंग मेथड से, है ना। तो सैंड कास्टिंग से जो बनता है, सैंड कास्टिंग में सैंड का मोल्ड बनता है और मोल्टन मेटल बना करके आपको सैंड मोल्ड में आपको डाल दिया जाता है। और जब आपका गियर सॉलिडिफाई हो जाता है तो फिर जो है आपको उससे जो है आपको निकाल करके आपको फिनिश कर दिया जाता है। तो ये सैंड कास्टिंग का प्रोसेस है। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, चीपर लो क्वालिटी गियर इन द स्मॉल नंबर्स कैन बी मेड, है ना। लो क्वालिटी गियर इन द स्मॉल नंबर्स कैन बी मेड इन द सैंड कास्टिंग मेथड। द टूलिंग कॉस्ट आर द रीजनेबल। इसमें कॉस्ट आपको कम लगता है। कास्टिंग का जो प्रोसेस है कास्टिंग में आपको कॉस्ट कम लगता है। मोल्टन मेटल बना करके मोल्ड में डाल दिया, सॉलिडिफाई हो गया, वो निकल गया। इसका कास्टिंग में ये दिक्कत है, पुअर सरफेस फिनिश होता है जी। ये प्राइमरी प्रोसेस है। कास्टिंग के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसके बाद जो है उसको फिनिशिंग के लिए मशीनिंग किया जाता है। तो इसमें सरफेस फिनिश आपको बेटर नहीं होता है। जहां पर आपको सरफेस फिनिश रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पर आपको आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, चूंकि इसमें आपको एक्यूरेसी नहीं होता है, हाई बैकलेस होता है, इसलिए ये गियर आपको नॉइजी होता है। जब ऑपरेशन करेगा तो नॉइजी करेगा। ये आपको नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए आपको सूटेड है ना। इसका जो एप्लीकेशंस है, टॉयज में, टॉय बनाने में गियर का यूज होता है विदाउट फिनिशिंग। स्मॉल अप्लायंसेस में, सीमेंट मिक्सचर बैरल में, होस्ट गियर बॉक्स ऑफ द डैम गेम लिफ्टिंग मैकेनिज्म में, हैंड ऑपरेटेड क्रेन में, ये आपको यूज होता है। जो सैंड कास्टिंग से जो गियर बनते हैं उसको आपको इसी में आपको यूज होता है ना। जो जो मटेरियल इसमें आप सैंड कास्ट कर सकते हैं वो आपको कास्ट आयरन है, कास्ट स्टील है, ब्रांजेज है, ब्रास है, सेरामिक्स है, ये सारे मटेरियल का आप जो है गियर बना सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कन्फाइंड टू द लार्ज गियर्स दैट आर मशीन टू द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, है ना। इसमें आप कर सकते हैं। तो ये सैंड कास्टिंग से जो गियर है, आप देखिए यहां पर आपको सैंड कास्टिंग का गियर आपको बंद दिखाया जा रहा है। कास्टिंग
कास्ट स्टील हेलिकल गियर इज द फ्लेम हार्डन्ड एंड क्वेंच्ड हार्डनेस, ये आपको फिलाडेल्फिया का आपको गियर आपको दिखाया जा रहा है ना। सिलिकन ब्रांच अलॉय का जो कास्ट अलॉय है आपको यहां पर, आपको यहां पे गियर आपको दिखाया जा रहा है ना। फिलाडेल्फिया का आप फिलाडेल्फिया का गियर आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है जो आपको कास्टिंग से आपको बनाया गया है ना। दूसरा है डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग में डाई में प्रेशर डाल के गियर बनाया जाता है, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें डाई कास्टिंग में जो गियर बनता है वो आपको सैंड कास्टिंग से बेटर सरफेस फिनिश होगा, बेटर एक्यूरेसी होगा। डाई कास्टिंग से जो गियर बनता है उसमें आपको टूलिंग कॉस्ट आपको बढ़ जाता है, डाई का प्रेशर डाई कास्टिंग का आपका टूलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। और ये जो डाई कास्टिंग का जो गियर बनते हैं वो आपको इंस्ट्रूमेंट्स में लगते हैं, जो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, मैकेनिकल इक्विपमेंट है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स में लगते हैं, कैमराज में लगते हैं, बिजनेस मशीन्स में लगते हैं, वॉशिंग मशीन्स में लगते हैं, गियर पंप में लगते हैं, स्मॉल स्पीड रिड्यूसर्स में होते हैं और लॉन मूवर्स में होता है। ये डाई कास्टिंग का जो गियर है वो सारे इस जगह आपको अप्लाई होता है। दूसरा जो जो मटेरियल इसमें अप्लाई हो सकता है वो जिंक है, एल्यूमिनियम है और ब्रास है। जिंक, एल्यूमिनियम एंड ब्रास जो है इसमें है ना। ये जो डाई कास्टिंग के जो गियर बनते हैं वो स्मॉल साइज के गियर होते हैं और ये हाई स्पीड और हैवी लोडिंग में आपको अप्लाई आपको नहीं होता है ना। तो ये गियर्स मेड फ्रॉम दिस प्रोसेस आर नॉट यूज्ड फॉर द हाई स्पीड एंड द हैवी टूथ लोडिंग है ना। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग और द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से जो गियर बनता है उसके ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में मोल्ड में आपको वैक्स डाल दिया जाता है, वैक्स डाल देने से वैक्स डाल करके उसमें सरफेस फिनिश कर दिया जाता है मोल्ड को, और मोल्ड को जब सरफेस फिनिश हो जाता है उसमें कास्टिंग करते हैं तो आपको एक्यूरेसी आपको बेटर मिलता है। हैंस इन दिस केस ऑफ द गियर यू कैन गेट द रीजनेबल एक्यूरेट गियर, आपको एक्यूरेट गियर मिलेगा एप्लीकेबल फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ द मटेरियल। ये आप डिफरेंट टाइप ऑफ द मटेरियल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्रैक्टरी मोल्ड मटेरियल अलाउज हाई मेल्ट टेम्परेचर मटेरियल, हाई मेल्ट टेम्परेचर मटेरियल के लिए आप यूज कर सकते हैं। एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द ओरिजिनल मास्टर पैटर्न यूज फॉर द मोल्ड। एक्यूरेसी जो है आप जो है मोल्ड पैटर्न में आप उसके लिए आप यूज कर सकते हैं है ना। जो मटेरियल उसमें आप यूज कर सकते हैं, टूल स्टील यूज कर सकते हैं, नेट ट्रेडिंग स्टील यूज कर सकते हैं, मोनोल यूज कर सकते हैं, बेरिलियम कॉपर आप इसको यूज कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड ओनली इफ द नो प्रोसेस इज सुटेबल सिंस प्रोडक्शन कॉस्ट इज द हाई है ना, है ना। तो ये इसमें आपको दिया हुआ है। यहां पर दूसरा आपको यहां पर आपको दिया हुआ है वायर ट्विस्टर सेटेलाइट गियर विच मेट्स विद द रेक मेड द आइस इंजन कॉम्प्लिकेटेड शेप्स मेक इट कॉम्प्रोमिकल टू प्रोड्यूस बाय द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस। यहां पर आपको एक कॉम्प्लिकेटेड शेप का आपको गियर दिया हुआ है और यहां पर आपको बताया जा रहा है कि वायर ट्विस्टर सेटेलाइट गियर जो आइस इंजन में यूज होता है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड शेप का इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से आपको बन जाता है ना। तो ये आपको कास्टिंग से तीन कास्टिंग मेथड मैंने आपको बताया, तीनों कास्टिंग मेथड से आपको गियर बन जाते हैं और तीनों कास्टिंग का आपको उसमें आपको मैंने बताया। दूसरा सिंटरिंग प्रोसेस का मैंने मेंशन किया था, सिंटरिंग प्रोसेस से बनता है, सिंटरिंग प्रोसेस से बनता है। सिंटरिंग प्रोसेस वो पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस भी आपको कहलाता है। पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस
का जो स्टेप्स है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। पहले उसमें ब्लेंडेड पाउडर बनाए जाते हैं, है ना, ब्लेंडेड पाउडर करके कन्वेंशनल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, कॉम्पैक्ट रिजिड टूलिंग किया जाता है, फिर उसको प्री सिंटर किया जाता है, फिर इसको सिंटर किया जाता है, रिप्रेस किया जाता है, फिर इनफिल्ट्रेट किया जाता है, रीसिंटर करके आपको यहाँ पर गियर बनाया जाता है ना। यहाँ पे स्टेप्स आपको दिखाया हुआ है। अदर प्रोसेस है कॉम्पैक्ट परफॉर्म रैपिड टूलिंग, है ना, कॉम्पैक्ट हाई इंजेक्शन प्रोसेस, हाई इंजेक्शन प्रोसेस, सिंटर परफॉर्म हॉट फोर्स। ये आपको ब्लेंडेड पाउडर बना करके पाउडर मेटलर्जी में आपको गियर बनाया जाता है। पहले पाउडर बना लेते हैं जिस भी मटेरियल का बनाना है, फिर उसको पाउडर बना लेते हैं, फिर जो है कन्वेंशनल प्रोसेस से पाउडर बना लेते हैं, फिर कॉम्पैक्ट रिजिंग टू कॉम्पैक्ट कर देते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको इनफिल्ट्रेट करके रिप्रेस करके आपको रिसिंटर करके आपको गियर बना देता है। उसके बाद ऑप्शनल गियर ट्रीटमेंट करते हैं, सरफेस रोल करते हैं, हीट ट्रीट करते हैं, शॉर्ट पिन करते हैं, स्टीम ट्रीट करते हैं, मशीन करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं। ये गियर का ये सारे जो है ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको लिखा हुआ है कि गियर में आपको कौन कौन सा है ना, गियर बनने के बाद कौन कौन सा मेथड लगाते हैं, सरफेस को रोल करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, शॉर्ट पिन करते हैं, स्टीम ट्रीट करते हैं, मशीन करते हैं, ग्राइंड करते हैं, है ना। तो यहां पर ब्लेंडेड पाउडर से अदर प्रोसेस से आपको ये आपको गियर बनाया जाता है। कॉम्पैक्ट प्रीफॉर्म आपको रैपिड टूलिंग ये आपको यूज किया जाता है, सिंटर परफॉर्म किया जाता है, हॉट फोर्ज किया जाता है, ये आपको पाउडर मेटलर्जी का प्रोसेस आपको बताया जा रहा है ना। जो करैक्टरिस्टिक्स है पाउडर मेटलर्जी और सिंटर्ड गियर्स का, एक्यूरेसी सिमिलर टू द डायकास्ट गियर, सिमिलर टू द डायकास्ट गियर उसका एक्यूरेसी रहता है। मेटेरियल प्रॉपर्टी कैन बी टेलर मेड, टिपिकली सुटेड फॉर द स्मॉल साइज गियर। ये पाउडर मेटलर्जी के जितने भी आपको गियर बनेंगे वो स्मॉल साइज के गियर के लिए ये आपको सुटेड है। इकोनॉमिकल फॉर द लार्ज शॉर्ट लॉट साइज ओनली, जब लार्ज लॉट साइज में बनाया जाता है तो इसको जो है पाउडर मेटलर्जी को आपको यूज किया जाता है। सेकेंडरी मशीनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस इसमें आपको फिनिशिंग में आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आपको कास्टिंग से जो गियर बन रहा था कास्टिंग में आपको सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस का रिक्वायरमेंट था, यहां पर सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गियर जो बना हुआ है आपको दिखाया जा रहा है, जो गियर्स आपको बने हुए हैं, है ना, देखिए आपको किस किस शेप के, कॉम्प्लेक्स शेप के आपको गियर आपको यहां पर पाउडर मेटलर्जी से बनाया गया है। ये आपको यहां पर आपको हेलिकर गियर, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स, ये सारे गियर आपको पाउडर मेटलर्जी से बनाया गया है। ये सारे गियर आपको जो गियर्स आपको आपको वर्ल्ड में है वो सारे आपको गियर्स, आपको गियर्स का फिगर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हेलिकल गियर दिखाया जा रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स दिखाया जा रहा है, जितने तरह के गियर्स बनते हैं, गियर्स होते हैं, वो सभी तरह के गियर्स के फोटो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना। तो ये तो पाउडर मेटलर्जी का मटेरियल यूटिलाइजेशन मोर देन 95%, ये सारे गियर आपको गियर के फोटो आपको दिखाया जा रहा है। गियर एक दो इंपॉर्टेंट पावर ड्रिवन मैकेनिज्म है, गियर के बिना आप किसी मशीन की कल्पना नहीं कर सकते, गियर के बिना आप पावर ड्रिवन का आप नहीं सोच सकते। ऑटोमोबाइल आपको गियर पे चलता है, एरोप्लेन वगैरह गियर पे चलता है, कोई भी आपको आपको दुनिया रुक जाएगी गियर के बिना। तो गियर मैन्युफैक्चरिंग गियर जो है इंपॉर्टेंट है, गियर के बिना आप कोई भी मशीन नहीं आप चला पाएंगे, है ना। तो यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, ये आपकी देखिए पाउडर है, पाउडर को कॉम्पैक्ट किया, सिंटर किया, फिर जो है उसको फोर्जिंग किया, फिर उसको फिनिश मशीनिंग किया, और फिर जो है
उसका मटेरियल यूटिलाइजेशन किया, आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ये पहले ब्लैंक है गियर का, फिर इसको फोर्ज परफॉर्म किया, फिर आफ्टर मशीनिंग गियर बनाया गया। ये आपको चिप्स यहाँ पर आपको दिखाया गया, 36% ऑफ द मटेरियल यूटिलाइजेशन ये आपको आपको दिखाया जा रहा है गियर के बनाने के। आपको यहाँ पर जो आपको तरीका है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना। तो एक तो पाउडर मेटलर्जी से बन गया, दूसरा बाय द हॉट फोर्जिंग प्रोसेस। हॉट फोर्जिंग प्रोसेस से आपको गियर बनाया जाता है, पहले ब्लेंड पाउडर बना लिया जाता है, कॉम्पैक्ट परफॉर्म कर लिया जाता है, फिर सेंटर परफॉर्म कर दिया जाता है, फिर कूल परफॉर्म किया जाता है, फिर कोट परफॉर्म किया जाता है, फिर हीट परफॉर्म बाय द इंडक्शन हीटिंग किया जाता है, फिर हॉट फोर्ज ऑफ द गियर किया जाता है। वो आपको पोस्ट फोर्जिंग ऑपरेशन, मशीन सरफेस रोल, हीट ट्रीट और ग्राइंडिंग में आपको काम आता है। ये आपको कॉम्पैक्ट परफॉर्म का, कोट परफॉर्म, सेंटर परफॉर्म, ये आपको हॉट फोर्ज गियर का आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ना। ये ब्लेंडेड पाउडर का आपको कैसे बनता है, यहाँ पर गियर का आपको फिगर आपको क्लियर आपको दिखाया जा रहा है किस तरह का गियर जो है वो आपको बनता है ना। ये किस तरह का गियर बनता है ये आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है ना। नेक्स्ट प्रोसेस है इंजेक्शन मोल्डिंग। फिर से मैं आपको यहां पर रिपीट कर देता हूं, आपको ज्यादा मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, फिर से आपको मैं आपको इसको मैं आपको रिपीट कर देता हूं। पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लूं, आपका अटेंडेंस ले करके फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। अमन कुशवाहा जी इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट है ना। फिर से मैं आपको अटेंडेंस बता देता हूं, तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट, जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट, तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट, शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट, मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट, चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट, आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट, अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। तो गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, गियर किस तरह बनाए जाते हैं वो सारे प्रोसेस यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि कौन कौन सा प्रोसेस से आपको गियर बनता है। दो तरह के गियर बनाने के मेथड होते हैं, एक फॉर्मिंग मेथड होते हैं, दूसरा मशीनिंग मेथड होता है। फॉर्मिंग में गियर को शेप दिया जाता है, फॉर्म किया जाता है। जो जो गियर फॉर्मिंग प्रोसेस है, ये 8 प्रोसेस है जो आपको यहां पर आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। 8 प्रोसेस है, 8 प्रोसेस से आप गियर बना सकते हैं, है ना। दूसरा मशीनिंग में
आपको रफ गियर जो है, ये चार प्रोसेस है, चार प्रोसेस से बना सकते हैं। गियर का जो फिनिशिंग प्रोसेस है, ये पांच प्रोसेस है, पांच प्रोसेस से आपको गियर का फिनिशिंग करते हैं, है ना। पांच प्रोसेस है, पांच प्रोसेस में आपको गियर का आपको फिनिशिंग करते हैं। ये आपको गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे गियर बनाते हैं। कास्टिंग है, सिंटरिंग है, इंजेक्शन मोल्डिंग है, एक्सट्रूडिंग है, कोल्ड ड्रॉइंग है, स्टैंपिंग है, परफॉर्मिंग है, फोर्जिंग है। मशीनिंग में रफिंग करते हैं, रफ गियर बनता है, फॉर मिलिंग प्रोसेस से जाता है, मिलिंग मशीन में आपको बनता है। रैक जनरेशन गियर जनरेशन मशीन होता है, रैक जनरेशन उसमें बनता है। गियर शेपिंग मशीन होता है, आपको गियर शेपर में बनता है। गियर हॉबिंग मशीन होता है, गियर हॉबिंग में बनता है ना। तो कंप्लीट समरी ऑफ द गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको यहां पे दिया हुआ है। गियर का जो फिनिशिंग करते हैं आपको गियर शेपिंग प्रोसेस से करते हैं, गियर ग्राइंडिंग प्रोसेस से करते हैं, गियर बर्निशिंग प्रोसेस से करते हैं, गियर लैपिंग प्रोसेस से करते हैं, और गियर होनिंग प्रोसेस से करते हैं। इससे आपको गियर को आपको फिनिश किया जाता है। ये आपको गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना। फॉर्मिंग ऑफ द गियर टूथ, इन ऑल टूथ फॉर्मिंग ऑपरेशन द टीथ गियर आर फॉर्म ऑल एट वंस फ्रॉम ए मोल्ड और डाई। जितने भी फॉर्मिंग गियर टीथ है उसमें आपको टीथ को फॉर्म किया जाता है। इन विच टू द टूथ शेप बिन हैव बिन मशीन, द एक्यूरेसी ऑफ द टीथ इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द डाई और मोल्ड एंड इन जनरल इज मच लेस देन दैट कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम द रफिंग और द फिनिशिंग मैथड। मोस्ट ऑफ दीज मैथड्स हैव द हाई टूलिंग कॉस्ट मेकिंग देम सुटेबल ओनली फॉर द हाई प्रोडक्शन क्वांटिटी, मेकिंग देम सुटेबल ओनली फॉर द हाई प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए आपको फॉर्मिंग गियर टीथ आपको यूज किया जाता है। हाई प्रोडक्शन क्वांटिटी के लिए आपको यूज किया जाता है। कास्टिंग में तीन तरह के कास्टिंग मेथड से आपको गियर बनाया जाता है। सैंड कास्टिंग से बनाया जाता है, डाई कास्टिंग से बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बनाया जाता है। और ये वाइड वैरायटी ऑफ द मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी तरह का मटेरियल का आप जो है इसमें आप जो है कास्टिंग कर सकते हैं, आप इसको आप बना सकते हैं। जो भी टूथ शेप है आपको मोल्ड में एट लो कॉस्ट में आपको बन जाता है। ये आपको माइनर फिनिशिंग ऑपरेशन टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द गियर्स के लिए आपको आपको जरूरी है, आपको इसको यूज किया जाता है। सैंड कास्टिंग का, तीनों कास्टिंग का आपको करेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन और कौन कौन सा मटेरियल का बनता है वो सब यहां पर आपको बताया गया है। सैंड कास्टिंग का जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें चीपर लो क्वालिटी गियर इन द स्मॉल लिम्बर्स इसमें बनते हैं, और टूलिंग कॉस्ट आर द रीजनेबल। इसमें आपको टूल का जो कॉस्ट है वो आपको रीजनेबल होता है। पुअर सरफेस फिनिश एंड द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ ऑब्टेंड। सैंड कास्टिंग में जो कोई भी आइटम बनता है ना, तो उसका सरफेस फिनिश उतना बढ़िया नहीं होता है, उसको सेकेंडरी मशीनिंग करना पड़ता है। सेकेंडरी प्रोसेस जो फिनिशिंग का मशीनिंग है वो आपको करना पड़ता है। तो इसमें आपको सरफेस फिनिश आपको आपको बेटर नहीं मिलता है, आपको पुअर सरफेस फिनिश मिलता है। आप इसको मशीनिंग करेंगे उसके बाद ही आपको मिलेगा, है ना। ड्यू टू लो प्रिसीजन एंड द हाई बैकलेस दे आर नॉइजी। ये आपको नॉइजी ऑपरेशन है, इससे जो गियर बनता है उसमें नॉइज आता है, नॉइजी ऑपरेशन है। दे आर सुटेड फॉर द नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन, नॉन क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए ये आपको सुटेड है। एप्लीकेशन विदाउट फिनिशिंग ऑपरेशन, ये आपको टॉयज में काम आता है, स्मॉल अप्लायंसेस में काम आता है, सीमेंट मिक्सचर बैरल्स में काम आता है, होस्ट गियर बॉक्स ऑफ द डैम गेट लिफ्टिंग मैकेनिज्म में काम आता है, हैंड ऑपरेटेड क्रेन में आपको काम आता है। ये सारे एप्लीकेशन आपके सैंड कास्टिंग गियर्स के ये आपको दिए हुए हैं, है ना। टॉयज में, स्मॉल अप्लायंसेस में, सीमेंट मिक्सचर बैरल में, होस्ट गियर बॉक्स ऑफ द डैम गेट लिफ्टिंग मैकेनिज्म में, हैंड ऑपरेटेड क्रेन में आपको ये काम आता है। जो जो मटेरियल जो आपको सैंड कास्टिंग से बनते हैं, कास्ट आयरन है, कास्ट स्टील है, ब्रांज है, ब्रास है और सिरामिक्स है ना। दिस प्रोसेस
इज कन्फाइंड टू द लार्ज ईयर्स, लार्ज ईयर में आपको कन्फाइंड हो जाता है, दे आर मशीन लेटर टू द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, उसमें आपको सैंड कास्टिंग प्रोसेस जो है आपको यहां पर उसका आपको बताया हुआ है, ये आपको सैंड कास्टिंग का गियर आपको जो आपको फिलाडेल्फिया में फिलाडेल्फिया गियर वर्क्स में जो बनाया गया है उसका फिगर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, जो फिलाडेल्फिया गियर वर्क्स में आपको यहां पर दिखाया गया है ना, ये गियर कास्ट स्टील हेलिकल गियर आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। डाई कास्टिंग से जो बनता है उसका जो करैक्टरिस्टिक्स है, डाई कास्टिंग में डाई कास्ट करके बनता है, उसमें प्रेशर देके बनता है, तो उसमें सरफेस फिनिश जो है आपको बेटर आता है और एक्यूरेसी आपको आपको बेटर आता है। इसमें टूलिंग कॉस्ट आपको सैंड कास्टिंग से ज्यादा पड़ता है। सूटेड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए आपको ये आपको सूट करता है, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करता है, कैमरा में यूज होता है, बिजनेस मशीन्स में यूज होता है, वॉशिंग मशीन्स में यूज होता है, गियर पंप्स में यूज होता है, स्मॉल स्पीड रिड्यूसर में यूज होता है और द लॉन मूवर्स में आपको यूज होता है ना। लॉन मूवर्स में आपको यूज होता है, आपको जो जो मटेरियल उसमें यूज हो रहा है, जिंक हो रहा है, एल्यूमिनियम हो रहा है और बार और ब्रास, ये मटेरियल आप डाई कास्टिंग में, डाई कास्टिंग का जो मटेरियल है वो जिंक है, एल्यूमिनियम है और ब्रास है, ये तीन मटेरियल उसमें आपको डाई कास्टिंग से आपका जो गियर बनेगा वो आपको इसी से बनेगा। जो डाई कास्टिंग के जो गियर है वो हाई स्पीड में काम नहीं आते हैं, हैवी लोडिंग में काम नहीं आते, ये स्मॉल साइज गियर में आपको काम आते हैं, ये आपको डाई कास्टिंग का आपको जो गियर बनेगा उसके बारे में आपको बताया गया है ना। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के जो उसको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस भी बोलते हैं, सैंड मोल्ड में वैक्स लगा दिया जाता है जिससे कि जो कास्टिंग का जो सरफेस फिनिश है वो आपको बेटर हो जाए है ना। वैक्स लगा देने से इसको लॉस्ट वैक्स प्रोसेस भी बोलते हैं, इससे आपको इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं आपको रीजनेबली एक्यूरेट गियर्स में मिलते हैं और ये एप्लीकेबल फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल के लिए ये आपको एप्लीकेबल है। रेफ्रैक्टरी मोल्ड मटेरियल के लिए भी ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये हाई मेल्ट टेम्परेचर मटेरियल के लिए भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का आप यूज कर सकते हैं। एक्यूरेसी जो है ओरिजिनल मास्टर पैटर्न पे डिपेंड करता है, ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का जो गियर बनेगा वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, हाई प्रिसीजन का होता है, ये आपको इसमें आपको ज्यादा एक्यूरेसी आता है और हाई प्रिसीजन इसमें आपको आता है। इसमें जो मटेरियल्स जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में आप यूज करेंगे, टूल स्टील का, नाइट्राइडिंग स्टील का, मोनल का, बेरिलियम कॉपर का, this process is used only if no other process is suitable since production cost is high। इसमें investment casting में production cost high होता है, तो जहां पर आपको sand mold casting से नहीं बन सकता है, die casting से नहीं बन सकता है। सर ये nitriding steel का properties क्या होता है, कहां use होता है ये nitriding steel? नितेश मिश्रा जी आपने question बहुत अच्छा किया है जी सर। ये स्टील का एलॉय है, ये स्टील का आपको एलॉय है, नाइट्राइडिंग स्टील। नाइट्राइडिंग स्टील का इसमें आपको नाइट्रेट ज्यादा होता है और दूसरा कंपोजिशन जो है आपको सिलिकॉन और इसमें कार्बन आपको दिया जाता है, ये नाइट्राइडिंग स्टील है ना। इसका यूज सर कहाँ होता है, किस मतलब किस चीज में हम इसका यूज कर लेते हैं सर? नाइट्राइडिंग स्टील जो है आपको आपको हार्डर मटेरियल है, हार्डर मटेरियल है और ये हार्डर जो कंपाउंड होता है आपको जो माइल्ड स्टील जनरली यूज करते हैं वो आपको लो तरह का होता है, ये नाइट्राइडिंग स्टील आपको टूल मटेरियल में भी आपको यूज होगा। दूसरा, जो एरोप्लेन वगैरह जो बनता है उसमें आपको नाइट्राइडिंग स्टील का यूज होता है।
तो इसका सर नाइट्राइटिंग स्टील का मतलब हम टूल भी बना सकते हैं, जैसे हम ये हाँ, सब करते हैं हाई ये स्पीड स्टील आपको का वगैरह कास्ट करते आपको आपको हार्डर कंपाउंड है मिश्रा जी, ठीक इसके है सर, ठीक जो एरोप्लेन वगैरह बनते हैं ना वहां पे जी सर, नाइट्राइलिंग स्टील का आप यूज कर सकते हैं। नाइट्राइल स्टीलिंग हार्डर कंपाउंड है वो, उसका मशीनिंग के लिए इससे भी ज्यादा हार्डर कंपाउंड चाहिए, तो वो आपको ओके इस तरह का मशीनिंग नाइट्राइडिंग स्टील वगैरह का आपने जहां भी इंडस्ट्री में, आप कह रहे थे ना मैं इंडस्ट्री में गया हूं, तो आपने जी माइल्ड सर, जी सर, माइल्ड स्टील का ऑपरेशन देखा होगा, हाँ सर, माइल्ड स्टील का तो मैं देखता ही हूँ, माइल्ड बस माइल्ड एम एस और स्टील एन एस का तो ही, यूज ही करते हैं। माइल्ड स्टील का ही काम चलता है इंडिया में, ये सारे नाइट्राइडिंग स्टील, टूल स्टील, मोनल, ये सब जो है फ्रांस में, जर्मनी में, वहां पर वो लोग काम करते हैं, जहां पर जो एरोप्लेन बनता है, आपके हेलीकॉप्टर बनते हैं, मिसाइल्स बनते हैं, तो वहां पर, ये जानना थोड़ी ना खराबी करेगा सर। हाँ नहीं जानना तो जरूरी है, जानना तो जरूरी है, तो आपने जी अच्छा सर, क्वेश्चन किया, ये जो है यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर काम नहीं होता, क्योंकि ये इसके टूल स्टील को मशीनिंग के लिए आपको इससे भी ज्यादा हार्डर चाहिए, मशीन भी ज्यादा मजबूत चाहिए, है ना, मशीन भी आपको ऑटोमेटिक मशीन में आपको ये सारे मटेरियल का आपको काम किया जाता है, तो ये कॉस्टली। हाँ ये बताइए होता क्या है सर? क्या चीज, ये एलॉय है, स्टील का एलॉय है, मैं बताया नहीं। मैं सर, हाँ ये तो समझ गया सर मैं, ये न, हाँ और गियर मैन्युफैक्चरिंग हम पढ़ रहे हैं सर, तो गियर होता क्या है सर? अच्छा गियर, आप लग रहा है कि लेट एंट्री किए ना, इसीलिए ये हाँ गियर सर, जो हाँ मैंने सर, किया, लेट एंट्री किया सर, वो थोड़ा ये आपको दिक्कत गियर्स आई। आपको फोटो दिखाया जा रहा है। नहीं, होता क्या है सर इसका, ये हम मतलब क्यों मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसका? गियर मैंने अभी अभी तो बताया मैंने कि गियर के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते, ऑटोमोबाइल आपके गियर के बिना नहीं चलेगा, कोई भी मशीन आपके गियर के बिना नहीं चलेगा, पावर ट्रांसमिशन में गियर का यूज होता है, जितने भी आपको ड्राइविंग मैकेनिज्म है, आपके क्लॉक हो गए, स्विंग मशीन हो गया, सब जगह गियर का यूज होता है, कोई भी मशीन आपको बिना गियर का आपको नहीं चलेगा, डिफरेंट टाइप का गियर आपको दिखाया जा रहा है, कोई भी मशीन आपको बिना गियर का नहीं चलेगा, हाँ तो फिर सर, सर आपको पावर इंपोर्टेंट। ट्रांसमिशन है सर, हम यदि एक ही तरह का गियर हम यूज कर सकते हैं तो इतने तरह का गियर हम बनाते क्यों हैं? जैसे हेलिकल हो गया, स्पर हो गया, बहुत नहीं, सारे गियर नहीं हम तो बनाते हैं, सबके तो अलग गियर अलग है हुआ। ना, सबके अलग 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 एप्लीकेशन है ना, हेलिकल अच्छा, गियर, सबका पावर ट्रांसमिशन है ही, बट नहीं, लेकिन उसमें भी देखिए अलग-अलग है। हाँ, तो ये आपको डायरेक्शन ऑफ द, जो आपको स्पीड जो आप बदलेंगे, आपको ट्रांसमिशन बॉक्स होता है तो उसमें हेलिकल गियर चाहिए, उसमें लीनियर एक्सिस से परपेंडिकुलर एक्सिस में आपको मोशन को ट्रांसमिट करता है, एक तरह के गियर से आपको काम नहीं चलेगा ना, आपको एंगल में मोशन ट्रांसमिशन करना है, 30 डिग्री पे करना हाँ है, ये 60 डिग्री पे करना है, तो बेवल गियर का बिल्कुल जरूरत बिल्कुल, चाहिए, हाँ बेवल गियर बिल्कुल सर, तो वो जो डिफरेंट गियर, जो क्लॉक का गियर होता है वो क्लॉक में ही काम आएगा, और जो ये डिफरेंट एक्सिस में आपको काम आता है, तो वो सारे गियर के अलग अलग हैं, लेकिन ये पावर ट्रांसमिशन आपको करना है तो आपको गियर्स में ही, आपको के मदद से ही आपका काम चलेगा, बिना गियर का आप पावर ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी मशीन में, आपको लेथ हो, मिलिंग हो, सेपर हो, सब में आपको गियर आपको लगाई होगा, तभी आपको सीएनसी हो, कोई भी मशीन हो, आपको गियर उसमें आपको लगाई होगा, तभी आप जो है गियर के बिना आप जो है वर्ल्ड में आप परिकल्पना नहीं कर सकते, गियर आपको एसेंशियल है, ये सारे गियर आपको मैं यहाँ पर आपको यहाँ भी दिखाया था कि गियर, ये सारे तरह के गियर आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना, सारे तरह का जो गियर है देखिए इसमें आपको एंगल में है, तो एंगल में ये ट्रांसमिट होगा, ये देखिए इसमें एंगल दिया हुआ है, सर इसके सब के यहाँ बारे में पे हम यहाँ अलग भी अलग गियर पढ़ेंगे है, ना यहाँ सर भी जी, गियर कटा हुआ है, हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस मतलब इसके बारे में हम तो सारे पर एक्सप्लेन से पढ़ेंगे ना सर, सबके बारे में अलग अलग, या सिर्फ आपके गियर का ही सिलेबस समझ के में मतलब जो छोड़ देना गियर मतलब? मैन्युफैक्चरिंग का दिया हुआ है, जो गियर डिजाइन है, वो आपको मशीन डिजाइन में आपके ले रहे होंगे, डायनामिक्स ऑफ मशीन ले रहे होंगे कोई, है ना, अच्छा,
हाँ तो टाइप से। उसके डिजाइन वहां आप पढ़ेंगे, हम यहाँ पर आपको गियर। मैं तो सोच रहा था सर टाइप्स वगैरह तो पढ़ना पड़ेगा ना सर, इतने टाइप्स के होते हैं उसका क्या हाँ यूज तो होता है। ये हमारे पास गियर मैन्युफैक्चर